नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार आपका दोस्त एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल V2 Explore में। आज की वीडियो बहुत ही खास और अच्छी होने वाली है दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हर की पौड़ी के आसपास के जो घाट हैं वहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है या कम हुआ है, और यह भी दिखाऊंगा दोस्तों कि गंगा जल इस समय स्वच्छ आ रहा है कि नहीं, मिट्टी वाला आ रहा है या साफ सुथरा पानी आ रहा है गंगा जल। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आगे और देखते हैं और माँ गंगा जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं दोस्तों। ये सामने आप देख रहे हैं मोहन जी पुरी वाले, बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, और इनके आसपास और भी बहुत सारे पूरी सब्जी और छोले भटूरे और मिठाई वाली दुकानें हैं। सामने आप देख पा रहे हैं ये अपर रोड है हरिद्वार का, और श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा भी नहीं तो कम भी नहीं है। सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं इस समय दोस्तों। ये सामने आप देख रहे हैं ये हर की पौड़ी का मुख्य द्वार है जो पवित्र क्षेत्र को जाता है, हर की पौड़ी क्षेत्र को, जहाँ पे ब्रह्म कुंड है और माँ गंगा जी की आरती जहाँ पर सुबह और शाम दो टाइम होती है। और सामने आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ पर कुछ दुकानें हैं जहाँ पर आपको पूजा का सामान मिल जाता है और जल भरने के लिए आपको केन भी मिल जाता है प्लास्टिक का। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। सामने जिस पुल पे हम चल रहे हैं, ये पुल संजय पुल कहलाता है, अक्सर आपने वीडियो में सुना होगा संजय पुल, और ये वही संजय पुल है दोस्तों। इस संजय पुल के लेफ्ट साइड में मालवीय घाट, घंटाघर घाट, महिला घाट और ब्रह्मकुंड है, और इस पुल से राइट साइड में नाई घाट है। आइए चलते हैं लेफ्ट साइड में और माँ गंगा जी के दर्शन करते हैं। अभी जो ये सामने घाट देख रहे हैं दोस्तों, ये अस्थि प्रवाह घाट है, यहाँ पर अस्थि प्रवाह की जाती है। सामने देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत मंदिर। सामने आप पूरा हर की पौड़ी क्षेत्र देख पा रहे हैं। सामने घंटाघर है और ये माँ गंगा जी, माँ गंगा जी को प्रणाम करें और आशीर्वाद प्राप्त करें माँ गंगा जी से। आइए आगे चलते हैं दोस्तों, दूसरे घाटों की तरफ भी चलते हैं। जैसा मैंने बताया दोस्तों, इस पुल से राइट साइड पे अगर आप चलते हैं तो नाई घाट है, तो मैं आपको दिखाता हूँ नाई घाट। आइए आगे चलते हैं। अभी आप सामने देख पा रहे हैं ये नाई घाट है, और सामने जो ये गोल वाला ब्रिज है, ये भगीरथ सेतु है, और ये राइट साइड में नाई घाट है जहाँ पर मूड़न संस्कार की विधि होती है, और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर मूड़न संस्कार करवाने के लिए आते हैं। देख सकते हैं आप, श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है आज भी, और माँ गंगा जी का प्रणाम कर आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धालु पूरी मस्ती करते हुए गंगा जी में और स्नान करते हुए, आप कितने भी थके हुए हो दोस्तों, कितना भी जो लंबी जर्नी करके आ रहे हो, अगर आप गंगा जी में आप स्नान कर लेते हैं एक बार, तो आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक बार जरूर स्नान करके देखिए, आपकी थकावट छूमंतर हो जाएगी दोस्तों।
आइए आगे चलते हैं और मालवीय घाट के कुछ सुंदर सुंदर दृश्यों को हम देखते हैं। आज कुछ इस प्रकार का नज़ारा है सामने, देखिए मालवीय घाट का। श्रद्धालु पूरी मस्ती करते हुए और स्नान करते हुए, सामने आप देख पा रहे हैं अस्थि प्रवाह घाट, और जस्ट बगल में जहां माँ गंगा जी की आरती होती है वो ब्रह्मकुंड घाट है। और राइट साइड में जो आप ये श्रद्धालुओं की संख्या देख रहे हैं ये मालवीय घाट है। आइए हम नीचे चलते हैं दोस्तों, और जैसा मैंने आपको बताया था कि नीचे चल के देखते हैं गंगा जल का जो प्रवाह है वो कितना तेज या कम है, और दूसरा कि गंगा जल में मिट्टी और रेत आ रहा है या साफ़ सुथरा पानी है। तो मैंने पाया दोस्तों कि पानी स्वच्छ नहीं है, स्वच्छ मतलब साफ़ नहीं है, जैसा निर्मल जल दिखाई देता था कि हम जल के नीचे पत्थर वगैरह देख पा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। और थोड़ा मटमैला सा जल आ रहा है, और प्रवाह तो इतनी तेज़ है दोस्तों, इतना तेज़ है कि अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे तो आपके साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी हो सकती है। और श्रद्धालु, अधिकतर श्रद्धालु सावधानी बरत रहे हैं और रेलिंग के अंदर ही स्नान कर रहे हैं, क्योंकि प्रवाह बहुत तेज़ है जल का, और चेन्स को पकड़ के स्नान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जल का प्रवाह बहुत तेज, बहुत बहुत ज़्यादा तेज है, तो आप लोगों से अपील है कि आप लोग सीढ़ियों के आसपास बैठकर ही स्नान करें। देख सकते हैं आप जल का प्रवाह कितना तेज है, और यहाँ पर कुछ श्रद्धालु मस्ती करके स्नान करते हुए, ये छोटा सा बच्चा देखिए आप, पूरी मस्ती कर स्नान कर रहे हैं यहाँ पर। आप लोग सावधानी पूर्वक स्नान करें और रेलिंग के दूसरी साइड ना जाएं, रेलिंग से अंदर ही रहें और सीढ़ियों पे बैठ के और चेन पकड़कर ही स्नान करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर भी करिएगा, ताकि वो लोग भी घर बैठे माँ गंगा जी के दर्शन कर सकें और घाटों के सुंदर सुंदर दृश्य देख सकें। सामने अभी आप जो देख रहे हैं ये ब्रह्मकुंड घाट है, इसी घाट पर माँ गंगा जी की सुबह और शाम दो टाइम आरती होती है। मैं आपको पूरा दिखाता हूँ हर की पौड़ी क्षेत्र, यहाँ से देख सकते हैं आप। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे इस चैनल पर हरिद्वार और ऋषिकेश और उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों की जानकारी दी जाती है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।